हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। आई होप आप सभी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और यहाँ पर हम भी आपकी दुआओं से माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया हैं और हमारी लाइफ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। तो अभी दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे हैं और यहाँ मैं बस आजकल रूटीन थोड़ा चेंज हुआ रखा है विंटर सीज़न की वजह से। कपड़े वगैरह सूखते नहीं हैं, तो ये कपड़े जो मैं फ़ोल्ड कर रही थी वो कल के कपड़े थे और यहाँ पर बस कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं। तो मैंने थोड़ा समय बचा है अभी, तो मैं ऑनलाइन मंगा के रखी हूँ। पहले भी मंगाया था तो वो ख़राब हो गए, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसको कोचने के लिए, मतलब इसका जूस निकाल देना है पूरा, तो मैंने मुरब्बा बनाना है इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगा रखे हैं। तो इसमें से कुछ ख़राब भी हो गया और मैंने फेंक भी दिए। और देखिए लगभग आधे घंटे में मैंने सिर्फ इतने ही किए हैं और यहाँ पर बस अभी इन सभी को मतलब इसका जूस निकालूंगी और इसका वीडियो हो सके तो आपको अगली वीडियो में मिलेगा मुरब्बे का। तो यहाँ पर अभी मैंने सोचा आज पार्लर क्लास है तो मैं थोड़ा सा रेडी होने लगी और खुशी अभी अपना काम कर रही, वो भी मेरा हेल्प कर रही थी, मुरब्बे का रस मतलब आंवले का रस निकाल रही थी। तो ये खुशी मैं तो करके उठ गई लेकिन खुशी अभी कर रही है, उसका काम जारी है ना खुशी। हाँ खाओगी? नहीं, मुझे पसंद है। मैं बनाऊंगी तो खाना बहुत टेस्टी लगता है, बहुत खट्टा खट्टा लगता है, खट्टा मीठा। अगर क्या खा रहे हो? अम्मी अमरूद सेब खा रहा हूँ। सेब है? सेब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एप्पल। और खुशी तुम? आंवला। आंवला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेमन। लेमन नहीं बोलते रे पागल। लेमन नहीं बोलते। तीन लोग तीन प्रकार तीन टाइप का फल खा रहे हैं, एक खा रहा है एप्पल, एक खा रही है आंवला और मैं खा रही हूँ अमरूद जो कि खत्म होने वाला है, लास्ट बाइट है तो इसको भी फिनिश कर देते हैं। अदनान ने दिलाया कि सब जन एक मतलब अलग अलग फूड खा रहे, तो अम्मी ने सोचा चलो वीडियो कर लेती। तो फ्रेंड्स मेरी मेहंदी देखे कैसी लगी है? मेरे छोटे भाई ने लगाया। कौन लगाया? मेरी जेठानी का लड़का है। मेरा मेहंदी 4 साल का, उसने लगाया तो बड़े प्यार से लगा रहा था, मैं लगवा रही थी, बच्चे का मन नहीं दुखाते। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और घर में लाइट नहीं है, अभी लाइट चली गई और खुशी का मन है पिज़्ज़ा खाने का, तो मैं पिज़्ज़ा कभी कभी घर में ही बना देती हूँ। तो वो कल से ही बोल रही है मम्मी पिज़्ज़ा बना दो, तो उसके लिए अभी मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी, लेकिन लाइट चली गई है तो थोड़ा लेट हो रहा है। और अभी शाम का वक्त है तो ये सारे कपड़े वगैरह फैलाए हैं मैंने, इन सभी को उठाना है कपड़े वगैरह धो के, बस इन सभी के जब तक मैं करती हूँ तो देखती हूँ तो लाइट आ जाएगी तो फटाफट से पिज़्ज़े बनाऊँगी। बहरहाल बच्चे तो दिन सारा खेले और अभी जाके सो गए हैं, तो चलिए बनाते हैं पिज़्ज़ा और आपको बताते हैं कि हमारा होममेड पिज़्ज़ा कैसा होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कपड़े छोड़ दिए क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि इसके कपड़े मेरे हैं, जिस तरह से मेरी कोई वैल्यू नहीं उसी तरह से मेरे कपड़ों की कोई वैल्यू नहीं है। सॉरी मजाक कर रही थी, हमारी ज़रूरत तो सब किसी को हो या ना हो लेकिन हमारे बच्चों को हमारी बहुत ज़रूरत होती है। मैं बाहर के सारे काम मैंने कर लिए हैं और लाइट का करी हूँ लेकिन अभी तक लाइट आई नहीं है तो क्या बताऊँ। अभी चलती हूँ घर में पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करती हूँ, वैसे ही साथ साथ बच्चों को उठा भी दूँगी और क्योंकि काफ़ी टाइम हो जा रहा है, देख रह सकते हैं आधे घंटे में मगरिब का वक्त हो जाएगा। और बस तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे।
चलती हूँ, थोड़ा काट पीट करती हूँ, तब तक शायद लाइट आ जाए, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये गीले कपड़े हैं, मैंने सुखा दिए हैं यहाँ पे, जो सुबह फिर से धूप में डालने हैं, इसीलिए मैंने इनको यहीं पे रख दिए हैं। तो कंटिन्यू। तो यहाँ देखिए मैंने सब्जियां वगैरह काटना शुरू कर दी है मोबाइल की रोशनी में, और यहाँ पर मेरी चाय बन रही है। हम जब छोटे थे तो हमारी अम्मी भी इसी तरह मतलब डिबरी जला के काम करते थे पहले गांव में। तो यहाँ पर मेरा काम शुरू हो गया पिज्ज़ा बनाने का। तो थोड़ा सा पैन में ऑयल लिया है, उसमें डाला है जीरा और कटी हुई सब्जियाँ, जैसे ज़्यादा सब्जी मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, बस प्याज और शिमला मिर्ची है। और उसके ऊपर मैंने डाला है चाट मसाला, नमक और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग मसाला जो हमेशा मैं यूज करती हूँ। तो आज मसालेदार पिज्ज़ा बनने के तैयार होगा। हमेशा हम सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं हो नहीं है तो हम कुछ बना ही नहीं पाते, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच करती हूँ। मेरे पास जो होता है उसी को ऐड करके बस मिला जुला के अपना टेस्टी सा कुछ सब कुछ बना देती हूँ। कभी पिज्ज़ा, कभी सैंडविच, कभी आइसक्रीम, कुछ भी बना देती हूँ। जो बच्चों का खाने का मन होता है बस मैं बना देती हूँ, और वो बड़े खुशी से खाते हैं। और सच बोलूँ तो बहुत ही टेस्टी बनता है, ऐसे घर का मसाला भी डालकर, वो जो मतलब पिज़्ज़ा पे पड़ता है ना चिली फ्लेक्स और क्या बेसिल वगैरह वो सब भी नहीं होने से भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। लेकिन ये चीज़ मैंने मंगा के रखी है, लगभग काफ़ी टाइम से मैंने मंगा के रखा है फ्रिज में, तो ये चीज़ तो बहुत मेन है पिज़्ज़े के लिए, तो मैं चीज़ तो ज़रूर डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा पिज़्ज़ा लगभग रेडी हो चुका है, बस इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँ। बच्चों को सब्जियाँ खाना, कच्ची सब्जियाँ इस तरह से रख देती हूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सब्जियाँ पका करके यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें मैं थोड़ा बटर लगा रही हूँ, और बटर के ऊपर बस मैंने पूरा लो फ्लेम पे बस 10 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी, और लगभग मेरा पिज़्ज़ा बनके तैयार है। देखिए कितना बढ़िया बना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। फ्रेंड्स हमारा पिज़्ज़ा बनके रेडी है, और यहाँ मैंने दूसरा वाला भी रेडी कर लिया है। इसमें टमाटर के स्लाइसेस नहीं लगाए हैं क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं थे, लेकिन मैंने शिमला मिर्च को कट करके रख दिया था इसलिए मैंने उसको लगा दिया, वेस्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे बटर भी मैंने लगा दी है, मैंने नहीं किसी ने लगाया है, देखिए खड़ी है खुशी यहाँ पे, मुस्कुराती हुई खुशी, क्योंकि उसका फेवरेट डिश बन रहा है ये है पिज़्ज़ा। तो इसको भी हम रख देते हैं और चलते हैं दूसरे वाले को। अब मैंने ही डाला है उसको, तो मैंने रख दिया पन्ने के लिए, और अभी चलते हैं इसको निपटाने के लिए क्योंकि बच्चों को से रहा नहीं जा रहा है, खास करके खुशी से। तो आप बताइए गाइस किसे रहा जाता है? सबर नहीं हो रहा है, सबर नहीं हो रहा है, ऐसा चीज देखने से खुशी का मुंह में बहुत बड़ा वाला मुझे सैंडविच और ये पिज्जा वगैरह ये सब बहुत पसंद है ना। सो अभी हमने इसको रख दिया बनने के लिए, चलो खुशी उठाओ। तो फ्रेंड्स खुशी तो पागल हुए जा रही है पिज़्ज़ा देख देख के, तो ये बाप बेटे मिलके मेरी थोड़ी हेल्प कर दे रहे थे, सब्जियां वगैरह काट दे रहे। तो यहाँ हम अपना पिज़्ज़ा मतलब खाने जा रहे हैं, तो आप भी आ जाइए। पिज़्ज़ा तो बहुत ही फेमस डिश है और सभी को पसंद आता है, तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करना। और यहाँ देखिए मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, इसमें मैंने और आज की वीडियो बनाई थी, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने सारी वीडियो को नहीं ऐड किया, इसका अगला पार्ट आएगा अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ हम खा रहे हैं, खुशी बड़े प्यार से खिला रही थी और हम खा रहे थे, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।